हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी ये यूनिक सा एक टॉप, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से मैं बना के बताऊंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा ये टॉप बनाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट इससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, ये जो है वो 1.5 मीटर है, बट इसमें 1.5 मीटर यूज़ होगा नहीं, तो जितना यूज़ होगा उतना मैं यूज़ करूँगी, बाकी का कपड़ा मैं हटा दूँगी। तो करना क्या, आपको ओपन करना है इस तरीके से पूरा, और मैं एडजस्ट करूँगी इस हिसाब से, जिससे कपड़ा जो है वेस्ट ना जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आधे कपड़े को फोल्ड कर लिया है और आधा ऐसे ही मैंने छोड़ दिया है, जितना यूज़ होना है उतना मैंने फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी। ये जो कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया है वो मैंने यहाँ पे 15 पर फोल्ड किया हुआ है, और इसको डबल से फिर से फोल्ड कर लेंगे, जितना आपका शोल्डर है उससे कुछ एक्स्ट्रा करके फोल्ड करना है। तो मैंने ऐसे फोल्ड किया हुआ, बाकी का आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से कर सकती हैं। तो देखिए, ना एक्स्ट्रा ही कपड़ा छोड़ करके फोल्ड करना है, क्योंकि टॉप है थोड़ा सा लूज ही रहता है, बाकी का अगर एक्स्ट्रा होगा तो सिलाई में चला जाएगा, कोई बात नहीं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लिया, इसको 4 टाइम्स में फोल्ड कर लिया है। तो अभी यहाँ से निशान लगाएंगे। अब आपका जितना शोल्डर है उतने पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, यूजली शोल्डर जो होता है वो 12 का ही रखते हैं टॉप वगैरह में, तो जिसे फिटिंग बिल्कुल सही आती है। अगर आपका ज़्यादा है तो आप ज़्यादा के हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे 12 का हाफ होगा 6, तो मैं 6 पे निशान लगाऊंगी। अब जो है इधर साइड में ये नेक का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर इसके 3 पे निशान लगा दूँगी। अब यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना है, जो कि 6 पे रहेगा, तो यहाँ पे 6 पे निशान लगा करके स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रा कर देंगे। और यहाँ पर इसकी जो गहराई है वो 3 से 4 आप रख सकती हैं। तो यहाँ पे 3, क्योंकि टॉप है तो इसका गला बस सिंपल सा रहता है, हल्का सा, तो इस पर 3 रखेंगे। अभी यहाँ पर जो निशान लगाना है वो आपको अपना चेस्ट का मेज़रमेंट करके 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि टॉप हल्का सा लूज ही रहता है इसीलिए। तो मैं यहाँ पे देखिए निशान लगा दिया मैंने, और इसी तरीके से नीचे की लंबाई की मेज़रमेंट कर लेती हूँ मैं। तो जितना भी आपको लॉन्ग टॉप चाहिए, लॉन्ग क्या, ये शॉर्ट ही फिलहाल रहेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं 20 रख रही हूँ इसकी लंबाई, और इसमें नीचे इलास्टिक पड़ जाएगी तो थोड़ा सा ऊपर फोल्ड होकर के थोड़ा सा और भी ज़्यादा ये शॉर्ट हो जाएगा, तो मैं ये 20 रखूँगी इसकी लंबाई। तो 20 पे निशान लगा दिया। इधर आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ मैं इस तरीके से। अब जो है ये गोलाई दे दी है। अब यहाँ पे इसके साइड में, साइड से जो स्टिचिंग करेंगे उसके निशान लगा लेती हूँ मैं। यहाँ पे हल्की सी कट करना है, बहुत हल्का सा, तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो देखिए, मैंने इसको ये कट कर लिया है। अब मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, इस तरीके से कपड़े को 4 टाइम्स से मैंने फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से। और अब जो है यहाँ पे निशान लगा लेना है, कितना मैंने कपड़ा लिया है, वो कपड़े की जो लंबाई, कपड़े की जो चौड़ाई है ये 8 इंच तक है, सॉरी 8 सेंटीमीटर है। तो अभी करना क्या, आपको इसकी जो आर्म होल की कटिंग है वो जो टॉप कट किया हुआ इस तरीके से इसके ऊपर रखना है, और अगर कपड़ा कम पड़ा है तो उसको और फोल्ड कर लें, बढ़ा लें, अगर सही पर है तो आपको ठीक है। इसी तरीके से बस निशान लगा लेना है आर्म होल का। ये सबसे ज़्यादा ईजी तरीका है स्लीव की कटिंग का, तो आप इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट स्लीव बैठती है। तो इस तरीके से मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया है। अभी आपको जो है जितनी लंबाई चाहिए स्लीव की उस पर निशान लगाना है। तो मैं इस यहाँ पे रख रही हूँ 12 या 12.5 आप रख सकते हैं।
इधर साइड में भी इस तरीके से निशान लगा लेना है और इसकी मोहरी की निशान लगाना है। तो मोहरी आपको मेजरमेंट कर लेनी है कितनी है, उसी के हिसाब से निशान लगाना है। तो 5 पे निशान लगाऊंगी मैं और इसको यहाँ से इस तरीके से निशान लगा देना है पूरा आर्म होल से मिलाते हुए। और ये जहाँ से कटिंग करनी है वहाँ से, तो अब जो है इसको कट कर लूँगी मैं। जो कटिंग करते हैं ना वो कपड़ा को थोड़ा सा दूर हट के थोड़ा कट करते हैं जिससे कपड़ा कम ना पड़े। अगर बाय चांस ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, सिलाई आप एक्स्ट्रा रख देंगे, बट अगर कम पड़ जाएगा तो फिर जोर डालना पड़ेगा इसीलिए। तो दूर हट कर के इस थोड़ा सा कटिंग करें, ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लेकर के तो सही रहता है। और अब जो है ये स्लीव कट गई हैं। अब जो स्लीव में ये बेल स्लीव बनाने के लिए इसकी बेल बनानी होगी, सो उसको मैं अम्ब्रेला कट करूँगी। तो देखिए इसको 4 टाइम्स में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है स्क्वायर शेप में लेकर के, और इसको यहाँ पर एक सर्कल के तरीके से ड्रॉ कर देना है क्योंकि ये अम्ब्रेला कट रहेगा। तो इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। इसका जो एक्स्ट्रा है वो पार्ट मैं कट कर दूँ पहले। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर हो गया है। अब इसको जो है इसकी लंबाई जो है 13 और चौड़ाई भी इतनी है, कुछ 1-2 इंच कम ज़्यादा है 1 इंच तक, तो कोई बात नहीं, तो स्लीव्स में सब सही हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, इसको कट कर लेंगे। अभी इसको ओपन करेंगे दोनों स्लीव्स को, सॉरी स्लीव बेल को, इसको तो सही से कट कर लेते हैं। अभी इसको जो है ये हाई लो में रखना है, तो इसको इस तरीके से लेना है फैब्रिक को, ऐसे यहाँ से ऐसे लेंगे इसको। और अब यहाँ पे क्योंकि ये उसकी मोहरी मैंने 5 रखी हुई थी, इस तरीके से यहाँ पे अटैच करी जाएगी ये, तो यहाँ से इस तरीके से कट हल्का सा लगा देंगे जिससे ये हाई लो में बनेगी स्लीव बेल, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इसको। आप चाहें तो इससे और बड़ी भी स्लीव रख सकती हैं, जितना भी आपको जितनी बड़ी आपको सही लगे उतनी बड़ी आप रख सकती हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको कट कर दिया है, अब ये कट हो गया है और इसको इस तरीके से इसमें अटैच कर दिया जाएगा। इस तरीके से जब इसका लेयर बनेंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये जो टॉप है इसकी कटिंग मैं अब करके इसको मैं पूरा सिल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आर्म यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसके मुड्डों को ज्वाइंट कर लेना है दोनों को, और इसके साइड में भी सिलाई सिंपल सी कर लेनी है, और मैंने कर लिया जो कि सिलाई वगैरह सब। अब यहाँ पर मैं स्लीव अटैच करूँगी इसकी, तो इस तरीके से स्लीव को अटैच करना है, और मैंने स्लीव की साइड में भी इस तरीके से सिलाई रख लेनी है। तो मैं इतना आपको ये करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव जो है उसकी साइड में सिलाई रख करके फिर अटैच कर दिया है इसको, और इसके गले में भी मैंने पाइपिंग लगा दी है। अब ये जो मैंने ये यहाँ पे अम्ब्रेला कट करके रखी हुई थी इसकी बेल बनाने के लिए स्लीव में लगाने के लिए, तो मैं इसको भी अब लगा दूंगी। और एक बात आपको याद रखना है, जो लो वाला है उसको लो पे रखना है, और जो लो है जिस साइड में हाई है उधर उसको लो पे रखना है, नीचे की साइड में रखेंगे सिलाई वाली साइड में, और जो जिस साइड में कम है
उसको ऊपर की तरफ रखना है, तो इस तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो मैं आपको ये अटैच करके दिखाती हूँ। और नीचे जो है टॉप में इलास्टिक डाल देनी है, तो ये पूरा मैं इलास्टिक डाल के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये टॉप रेडी हो चुका है, मैंने इसकी स्लीव्स अच्छे से लगा दी हैं। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे आपको इसमें वो पीको करवा लेना है, जिससे अच्छा सा लुक आ जाएगा। पीको करने से ऐसे सिलाई करोगे तो सही से नहीं आ पाता है सिलाई इसमें। तो और ये देखिए मैंने इलास्टिक नीचे डाल करके, तो काफ़ी अच्छे से टॉप बन के रेडी हो गया है। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर कोई कमी लगी है कुछ भी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।